मैं उस ताजर को सलाम करूं जिसने कायदे आजम मोहम्मद अली जना को ब्लैंक चेक दिया था मुल्की अमूर चलाने के लिए जब पाकिस्तान बना। इसका मतलब है कि वो 72,000 रुपया साल का टैक्स अदा कर रहे हैं जिस पर टैक्स बनता ही नहीं है। वजीर आजम साहब, फिर लोग कह सकते हैं ना कि हम बिल ना जमा कराएं तब भी कोई मसला नहीं है। वजीर आजम हाउस में कोई खाने नहीं होंगे, कोई मुलाकातें नहीं होंगी। जिसने 3 माह के लिए आना है वो भी नई शेरवानी और नए सूट सिलवा लेता है। आपके इलम में है कि इस वक्त जो हालात हैं वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अब महंगाई नहीं है, तबाही है। 16 माह की हुकूमत तो चली गई, लेकिन अपने जो उनका तरीक़ाकार था, जिस रफ्तार से वहाँ से चीज़ें बढ़ रही थी, वो रफ्तार बिल्कुल उसी तरह छोड़ गए हैं। और जुल्म ये कर गए हैं कि निगरान सेटअप को, जिन्होंने खाली इलेक्शन कराने थे, उनको भी बिल पास करके उनको भी इख्तियारात दे गए कि कौम पर मजीद जुल्म करते रहे। मुझे बड़ा सख्त अफसोस हुआ कि निगरान वजीर आजम साहब ने कहा कि अगर कोई मुल्क छोड़ के जाना चाहता है जा रहा है तो इससे कोई मसला नहीं है। वजीर आजम साहब, फिर लोग कह सकते हैं ना कि हम बिल ना जमा कराएं तब भी कोई मसला नहीं है। हम इस मुल्क को टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क को चलाते हैं, हम वो तबके हैं जो इस मुल्क को चला रहा है। मुझे कोई बताए कि हकूमती कौन सा इदारा है जो मुनाफा बख्श हो 600-600 अरब रुपए के खसारे में। मैं उस ताजर को सलाम करूं जिसने कायद आजम मोहम्मद अली जना को ब्लैंक चेक दिया था मुल्की अमूर चलाने के लिए जब पाकिस्तान बना। मैं एक छोटी सी मिसाल एक ताजर को दे दूं, मैं कल उसका बिजली का बिल देखा है, उस पर टैक्स नहीं बनता है, 6 लाख की आमदन उसकी नहीं है, सिर्फ ये टैपिंग का काम करता है, उसका बिल साल का, उस पर साल के जो टैक्सेस हैं वो 72,000 है। इसका मतलब है कि वो 72,000 रुपया साल का टैक्स अदा कर रहे हैं जिस पर टैक्स बनता ही नहीं है। और कहा जाता है ताजर चोर है, ताजर टैक्स नहीं देता है, ताजर मुनाफाखोर है, ताजर जखीरा अंदोज है। ओ भाई, ये आवाज़ बंद होनी चाहिए। हुकूमत कैसे कह सकती है कि हम टैक्स चोर हैं? ओ भाई, टैक्स तो सारा आप खा जाते हैं। मुझे कोई बताए कि कौमी असम्बली के अंदर ये जो खाने चलते हैं, जो ITs चलती हैं, जो नाश्ते चलते हैं, जो मुफ्त पेट्रोल है, मुफ्त गैस है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त घर है, मुफ्त गाड़ी है, इसका कौन जिम्मेदार है? मैं तो अपने पैसों से, या मेरा एक ताजर अपने पैसों से दुकान खोलता है, हुकूमत कोई उसकी हेल्प नहीं करती है। दुकान बनाता है, बीवी का जेवर बेचकर, जमीन बेचकर दुकान बनाता है, हलाल की कमाई में से वो घर भी चलाता है और हुकूमत को टैक्स भी देता है, डायरेक्ट भी देता है और इनडायरेक्ट भी देता है। लेकिन फिर आप उसको कहते हैं ये चोर है, मैं सही हूं। हमें आज तक समझ ही नहीं आई कि गरीब मुल्क है, कर्जा हमें देने के लिए तैयार कोई नहीं है, लेकिन हम 5-5, 10-10 लाख के सूट हमने पहने होते हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में हम फिर रहे होते हैं। ये क्या, बाहर दुनिया में ऐसा नहीं होता है? कभी कभी दुनिया की मिसालें देते हैं तो बाहर दुनिया में नहीं होता है भाई। जितने भी निगरान वजीर बने इनके वसाइल है, कम अज कम यही नमूना पेश कर दे कि ये घर का खाना खाएंगे, ये दफ्तरों में कोई अखराजात नहीं करेंगे, ये वजीर आजम हाउस में कोई खाने नहीं होंगे, कोई मुलाकातें नहीं होंगी। जिसने 3 माह के लिए आना है वो भी नई शेरवानी और नए सूट सिलवा लेता है।